नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब के चंडीगढ़ से आप सुबह से लगातार न्यूज 24 का ये स्पेशल कवरेज मंथन पंजाब देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर पंजाब है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, और एक से एक दिग्गज पंजाब की राजनीति से जुड़ा इस मंच पर आपको सुनने को मिल रहा है। उनसे बात कर हम कर रहे हैं लगातार, अलग अलग मुद्दे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे उन पर बहस कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा। युवा डायनामिक पॉलिटिशियन है, प्रवक्ता के तौर पर हमने उन्हें अलग अलग टीवी डिबेट्स में, टीवी चैनल्स पर देखा है, और अपना पक्ष और आम आदमी पार्टी का पक्ष बेहद मजबूती से रखते हैं। राघव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कनेक्टेड हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मंथन पंजाब में। राघव, कैसा है मूड, कितनी है अपबीट तैयारी, हाउस द जोश इन आम आदमी पार्टी? आप सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर पंजाब में उभर कर आए पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस बार आप कह रहे हैं कि आपका स्टेक काफ़ी मजबूत है, तो तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, 2014 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, सारी सीटों पर लड़ा, कि लोगों ने बहुत प्यार और उम्मीद के साथ हमें चार सीटों पर जिता दिया। एक ऐसी पार्टी जिसका नामो निशान नहीं था 2014 में पंजाब में, पर लोगों ने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी बनाया, पार्टी को अपनाया, खुद आम आदमी पार्टी बने, चुनाव लड़ा और चार सीटें हम जीते। फिर 2017 में पहली बार हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में एक न्यू प्लेयर के लिए पहली आउटिंग जो होती है, अपना विधानसभा का डेब्यू जो होता है, उसमें मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हम बाहर आए, सामने आए। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, जो 100-150 साल पुरानी पार्टी है, उसे खदेड़ दिया। कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी चुनौती दी, और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी। लेकिन बीते 5 सालों में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जिस उम्मीदों के साथ चुना था, उन उम्मीदों को तितर बितर होते हुए देखा। उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई कांग्रेस पार्टी। 4.5 साल हो गए आज कांग्रेस पार्टी को सत्ता में, लेकिन मैनिफेस्टो का एक भी वादा अगर कांग्रेस पार्टी बता दे उन्होंने पूरा किया। ठीक है, लेकिन राघव, आपका मूड अपबीट है, आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री आप ही बनाएंगे, लेकिन आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी छोड़कर जिन चन्नी जी को आप ड्रामेबाज चन्नी जी कहते रहते हैं, लगातार मैंने सुना है आपके इंटरव्यूज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कांग्रेस को टारगेट करते हैं, उसी कांग्रेस में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिन विधायकों की या कुछ हमारे पार्टी के ऐसे नेता जिनका चुनाव लड़ने का मन हो और पार्टी टिकट ना दे और वो किसी और पार्टी ले जाएं, उनको लगता है कि उस पार्टी में उनका भविष्य अच्छा है, शायद वहाँ टिकट मिल जाएगी, तो वो हमारे हमसे अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और कांग्रेस को ज़रूर ये कहूँगा, चन्नी साहब को कहूँगा कि चन्नी साहब, अब आपने अपनी पार्टी में उनको ले तो लिया है, अब उनको इलेक्शन ज़रूर लड़वाइएगा, कांग्रेस की टिकट ज़रूर दिलवाइएगा। कुछ लोगों ने अगर पार्टी, आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया, लेकिन लाखों करोड़ों लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े भी हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ड्रामेबाज क्यों कहता हूं? मैं ड्रामेबाज इसलिए कहता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आप मेरी बात समझ जाएंगे। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सूबे के चन्नी साहब, जब गुलाबी सूंडी के चलते हमारे पूरे मालवा इलाके की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, नरमे की फसल बर्बाद हो गई, तो वो मुआवजा देने का ऐलान करने के लिए मौके पे पहुंचे, वो खेतों में गए, किसान से मिले, और अपने पूरे कैमरे की फौज और मीडिया की फौज लेकर गए। बड़ी बड़ी फोटोएं चन्नी साहब ने कैमरे के साथ खिंचवाई और किसानों के साथ खिंचवाई कि हम इनको मुआवजा देंगे। मुआवजा उस किसान को जिसके साथ फोटो खिंचवाई, उसको भी नहीं मिला आज तक, और उस फोटो को चन्नी साहब ने पंजाब की हर दीवार, हर चौराहे पे लगाया, हर बस के पीछे लगाया। यानी कि पंजाब के किसान को मुआवजा तो छोड़ो, जिस आदमी के साथ भटिंडा के उस पिंड में जाकर फोटो खिंचवाई, उस किसान तक को इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। ये चन्नी सरकार तो नहीं, राघव, ऐसा तो नहीं, चन्नी साहब कैमरा बट नो एक्शन मुख्यमंत्री। अच्छा राघव, कहीं ऐसा तो नहीं कि 32% दलित आबादी को टारगेट करने के लिए कांग्रेस ने जो सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक चला, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अकाली दल ने बीएसपी से गठजोड़ कर दिया, उस रेस में कहीं आप अपने आप को पिछड़ा हुआ पा रहे हो, इसीलिए आप चन्नी साहब को बार बार टारगेट करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं? राघव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइएगा। मेरा सवाल ये कि चन्नी साहब को जो आप बार बार टारगेट करते हैं, उसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि दलित 32% जो वोट बैंक है पंजाब का, उसके लिए कांग्रेस ने ये सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक चला, अकाली दल ने बीएसपी से गठजोड़ कर लिया और इस दलित वोट बैंक को लुभाने की रेस में आप पीछे रह गए, तो इसलिए चन्नी साहब को टारगेट करते हैं आप? देखिए दो तीन चीज़ें मेरी थोड़ी सी सुनिएगा। देखिए जहाँ तक दलित समाज का और दलित भाईचारे के प्रतिनिधित्व की बात है, हमारे पास एक ही कैबिनेट रैंक की पोजीशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्षी दल का नेता, वो हमारे हरपाल चीमा साहब हैं, वो दलित भाईचारे से आते हैं। डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो भी जो आम आदमी पार्टी की विधायिका है सर मानू के मैडम, वो भी दलित भाईचारे से आती हैं। जहां तक प्रतिनिधित्व देने की बात है, कांग्रेस ने तो अब प्रतिनिधित्व दिया है, हम तो कई समय से प्रतिनिधित्व देते आए हैं, उनकी बात करते आए, लेकिन हम इसको एक 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 चीज लेकर समाज को बांटने का काम नहीं करते हैं। मैं पंजाब सूबे से आता हूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के अंदर जिस प्रकार की आपस में सांप्रदायिक सद्भाव है, आपसी भाईचारा है, वो शायद ही आपको देश के किसी कोने में नजर आएगा। हमारा पंजाब में जात के बिरादरी के नाम पे बटने वाला सूबा नहीं है। थोड़ा सुन लीजिए, जरा मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। ये जो दलित कार्ड ये लोग कहते हैं हमने दलित कार्ड खेल दिया, ये बात ही पंजाब पंजाबी और पंजाबियत के खिलाफ है। एक सेकंड बस, मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे दलित समाज की पार्टी कहा जाता है, उसका जन्म पंजाब में हुआ, वो पंजाब में चुनाव लड़ती थी आज से कुछ साल पहले तक, और किसी सूबे में चुनाव नहीं लड़ती थी। ठीक, सारे नेता पंजाब से आते थे। दलित की राजनीति, दलित वोट बैंक की राजनीति बीएसपी पंजाब में नहीं कर पाई, उनको पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। अगर दलित नाम के हो रही है, क्योंकि सारे सियासी दल दलित कार्ड खेल रहे हैं और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता चाहकर भी, क्योंकि ये सामने दिख रहा है सबको। लेकिन राघव ये बताइए, मुख्यमंत्री की बात आती है, सीएम कौन बनेंगे पंजाब के? आम आदमी पार्टी अगर मान लीजिए सरकार बना भी लेती है, कई सर्वेज में आपको बढ़त भी दिखाई गई है, तो आपके सीएम कौन होंगे? सीएम के चेहरे का नाम का अनाउंसमेंट करेंगे आप चुनाव से पार्टी? आम आदमी पार्टी 2022 के इलेक्शंस का चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का और पंजाब सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके नाम की अनाउंसमेंट कर घोषणा कर 2022 का चुनाव लड़ेगी, ये मैं औपचारिक तौर पे आपको कह रहा हूँ। आदमी है, लेकिन ऐलान कब करेंगे? अभी इस मंच पर सुखबीर बादल बोलकर गए कि अकाली दल की तरफ से, अकाली दल बीएसपी गठजोड़ में वो सीएम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, चन्नी साहब को लेकर अभी कोई घोषणा तो नहीं कांग्रेस पार्टी ने की, लेकिन चलिए मान लेते हैं, कांग्रेस को साइड पे कर लेते हैं। उनका ये कहना था कि कोई चेहरा नहीं किसी पार्टी के पास, चन्नी साहब को भी अनाउंस नहीं कर रही ऑफिशियली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपना चेहरा नहीं अनाउंस करी, लेकिन अकालियों ने दिल दिखाया है और अपना चेहरा दिखा दिया है और नाम अनाउंस कर दिया है, और जब तक चेहरा अनाउंस नहीं होगा, पंजाब की आवाम कनेक्ट नहीं करेगी, तब तक क्यों वोट देगा कोई? तो आप किस कब तक का इंतजार कर रहे हैं, किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? चुनाव में तो ज्यादा वक्त बचा नहीं। जो पूरी जी अकाली दल को तो अनाउंसमेंट करने से ना कोई रोक सकता है ना रोकना चाहिए, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री तो बनना नहीं, वो हर हफ्ते अगर नया मुख्यमंत्री भी खड़ा कर दें तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अकाली दल तो इस चुनाव में है ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रही। वो पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आज बन गई है पंजाब में, जिससे पंजाब का बच्चा बच्चा नफरत करता है। आप भी जब सूबे में घूमेंगी आपको भी यही पता लगेगा कि लोग कितना नफरत करते हैं अकाली दल से। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात है, हम उनका नाम अनाउंस करके चुनाव लड़ेंगे। कब अनाउंस करेंगे, ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अधिकार होता है। मनीष सिसोदिया या भगवंत मान जो इतने दिनों से इन द विंग्स हैं, या क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के आएंगे पंजाब? क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली में रहेंगे? क्या भगवंत मान जो कि इतने दिनों से इन द विंग्स हैं और अपने आप को पंजाब का पुत्र बताते हैं, और आपने ये भी कहा आम आदमी पार्टी ने कि कोई पंजाब का पुत्र ही बनेगा चीफ मिनिस्टर, हम तो जो बनाएंगे? देखिए तीन चीजें उस व्यक्ति में जो होंगी मैं वो बता सकता हूँ। नाम तो पार्टी जब अनाउंस करेगी, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, हम कब अनाउंस करते हैं हम तय करेंगे। तीन चीजें मोटे आप अपने आप को भी गिन रहे हैं। पहली चीज, वो व्यक्ति
नहीं नहीं मैं अपने आप को नहीं गिन रहा, मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति में तीन चीजें होंगी मोटे मोटे तौर पर। पहली चीज वो पंजाब सूबे का होगा, वो पंजाब सूबे की 3 करोड़ आवाम में से कोई होगा, और वो ऐसा व्यक्ति होगा जो पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक हो और सिख समाज से होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं उन्होंने बात साफ करी है, हम अनाउंस करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं बहुत जल्द। और मैं आपकी बेताबी समझता हूं, पूरे पंजाब मीडिया की बेताबी समझता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अगला मुख्यमंत्री देखना चाहता है, हर सर्वे दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सो जाहिर सी एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम जाने कि कौन हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल बताएंगे, सही समय आने पर बताएंगे, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम उसे जुलाई 2021 में अनाउंस करें कि जनवरी 2022 में अनाउंस करें, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। वो सिख समुदाय से ही जुड़ा होगा, आपने बड़ी बात ये कही कि वो पंजाब से होगा और सिख समुदाय से ही जुड़ा होगा। बिल्कुल, ये बात हमारी पार्टी के मुखिया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी कही थी, उनकी बात को जब इतना आपने कह दिया तो दलित सिख होगा या जट सिख होगा? नहीं नहीं, मैं हम लोग तो मैं आपको बताया ना जी, हम लोग ऐसे समाज को बांट कर नहीं देखते हैं, और ये पंजाब के लोग भी नहीं देखते। मैं पंजाब सूबे से ताल्लुक रखता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, यहां बीएसपी की दुकान बंद हो गई, बीएसपी को दूसरे सूबे में जाकर चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि पंजाब बढ़ता नहीं है कि आप अपर कास्ट हैं, मैं दलित हूं, आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूं, इन चीजों से पंजाब बहुत परे है। और मैं कहूंगा, आपको भी कहूंगा कि पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के बारे में पढ़ें, आप देखेंगे ये जो समाज को बांटने की बात कांग्रेस करती है ये पंजाबियत के खिलाफ है, पंजाब के खिलाफ है। अच्छा लगा पंजाबियत का जिक्र आपके मुंह से सुनकर, मैं खुद पंजाबियत से प्रभावित हूँ, और शिव कुमार बटालवी और वो तमाम लोग जो है वो उस इंस्पिरेशन को देखती हूँ हमेशा। अगर जाति के मुद्दे से पंजाब ना बटे तो ये इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जातिवाद की राजनीति ने इस देश का बुरा किया है जो अब तक किया है, ये मेरा पर्सनली मानना है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही है, आपने कुछ समय पहले घोषित किया, उसके बाद चन्नी साहब ने बिजली फ्री कर दिया, हालांकि बेशक 31 मार्च तक करके उसका मजाक भी बना खूब सारा। दूसरी तरफ अकालियों ने 400 यूनिट फ्री आपसे 100 यूनिट ज्यादा कर दी, तो अब ये जो आपका एक पोल प्लैंक है, ये जो आप कैरेट फ्री बिजली वाली करते हैं, ये तो अब सबने यहां हाईजैक कर ली, तो आपको इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिजली मुफ्त करने की बात करती है तो मैं कांग्रेस को कहता हूं कि राजस्थान में आपकी सरकार है, हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली वहां मिलती है, महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन की सरकार है, हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली वहां मिलती है, वहां करके दिखाएं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां करके दिखाएं। अकाली दल तो दौड़ में ही नहीं है, उनकी अनाउंसमेंट या उनके जो वादे हैं उनको मुझे लगता है उस पर बात भी नहीं करनी चाहिए, समय की बर्बादी है। वो दौड़ में नहीं है, एक शख्स है जो पूरे हिंदुस्तान में बिजली, सुखबीर बादल इसी मंच पे आपसे थोड़ी देर पहले बोल के गए हैं कि 85 सीट्स अकाली दल जीतने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो दौड़ में ही नहीं। देखिए, वो 117 उनका दावा 117 में से 85 सीट लाने का भी हो सकता है, और हो सकता है जब आप अगले हफ्ते उनसे बात करें तो वो बोले 117 में से 85 नहीं, 117 में से 185 सीटें आ रही हैं। अकाली दल जो मर्जी कहे उनकी बात पे ज्यादा गौर फरमाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दौड़ में नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कितनी सीटें लाने जा रही है, क्या अनुमान है आपका, अंदर आप लोग भी सर्वे करते होंगे, आपका क्या अनुमान है, आपकी कितनी सीटें आएंगी, 117 में से कितना नंबर? मैं दो चीजें बता दूं, जहां तक मुफ्त बिजली की बात है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जिसको फ्री बिजली देनी आती है, बिजली को 24 घंटे सातों दिन करना आता है सूबे में, और जिस शख्स ने एक सरकार में वो करके दिखाया है, उन शख्स का नाम है आदरणीय अरविंद केजरीवाल, और केजरीवाल सरकार आने वाले समय में पंजाब में भी कैसे बिजली मुफ्त होती है ये करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है, हम करके दिखाएंगे, और पंजाब के लोग इस बात को जानते हैं कि हमें ही आता है करने। देखिए राघव, आप युवा पॉलिटिशियन हैं, आप बहुत डिबेट्स में आते हैं, आप भी अब सीजन पॉलिटिशियन हो गए हैं, बेशक आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को अभी भी मानते हैं, लेकिन अब आप एक सीजन पॉलिटिशियन हो चुके हैं, तो आप भी ये जानते हैं कि जो कॉन्फिडेंटली अपना सीट प्रोजेक्शन करता है उसके पीछे कोई आधार होता है। अब अगर वो कह रहे हैं कि 85, तो आपका भी कोई प्रोजेक्शन होगा, आपका भी कोई ग्रास रूट्स का स्टडी होगा, कुछ तो बताइए हमें, आप अपना अंदाजा दीजिए। आम आदमी पार्टी, मैं बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ये आप मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ।
आंकड़े क्या होंगे ये मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। और आप हर नेता से पूछेंगे, हर नेता कहेगा हमारी सरकार बन रही है, अभी चन्नी साहब 2 घंटे बाद आपके कार्यक्रम में आएंगे, वो बोलेंगे कांग्रेस की बन रही है। सुखबीर बादल जी अभी गए, वो कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है। मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा हमारी बन रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अभी ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप पंजाब घूमिए, आप पंजाब जाइए, पंजाब के लोगों से मिलिए, पिंडों में जाइए, लोगों से पूछिए, एक ही आवाज आएगी, बस मुझे पूरा करने दीजिएगा, एक आवाज आती है कि सारी पार्टियों को मौका देके देख लिया, सबने धोखा दिया। एक मौका केजरीवाल को, इस बार मौका अरविंद केजरीवाल को। लोग कहते हैं हुन एक मौका केजरीवाल नू, हुन एक मौका केजरीवाल नू। पिंडों में हम जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम सुनते हैं, सेंटिमेंट ये है कि सबको ट्राई कर लिया, अब एक मौका अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को देके देखना है, शायद ये पंजाब को रंगला बनाए, शायद ये पंजाब को खुशहाल बनाए। ये सेंटिमेंट है ग्राउंड पे, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, आप अगर जाएंगे ग्राउंड पे आपको भी यही सुनाई देगा। और इसीलिए जितने सर्वे पिछले 6 महीने में आए, सारे सर्वे ने आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी ये दर्शाया है, सी वोटर के सर्वे से लेकर सारे सर्वे ने। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब की आवाम इस बार आम आदमी पार्टी को जरूर मौका देगी। हुण एक मौका केजरीवाल नू, ये आप कह रहे कि ये सेंटिमेंट है ग्राउंड पर कि अब आपकी बार मौका केजरीवाल को, तो इसका आधार क्या है और किस बेसिस पे आपको लगता है कि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को ये मौका देने जा रही है या देगी? देखिए पंजाब सूबा सबसे पहले तो आज सबसे ज़्यादा डेट में है, कर्जे में है, लगभग 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब सरकार पर है, सब कुछ गिरवी है पंजाब का। पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चरम पे है, नशे से जनरेशंस बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, व्यापार ठप है, हर प्रकार से हमारा जो खुशहाल हरा भरा सूबा होता था वो आज बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सियासत खराब है, यहाँ के सियासतदानों ने खून चूस लिया लोगों का और पंजाब का, और सिर्फ अपने महल बनाए, अपने घर बनाए। एक साधारण विधायक जो एक बाइक पे चला करता था एमएलए बनने से पहले, आज उसके पास 5 कोठियां और 8-10 गाड़ियां होती हैं। कैसे हो जाता है इन लोगों का? इसलिए होता है क्योंकि ये लोग पंजाब के लिए काम करते हैं। आपका सबसे पहला कदम, आपका सबसे पहला कदम आम आदमी पार्टी बदलेगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है पंजाब में, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, कितना कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है पंजाब पर, सब जानते हैं, तो आपकी पार्टी वैसे ही मुफ्त बिजली की बात कर रही है, तो एक तो कैसे उसको अकोमोडेट करेंगे आप, और दूसरा अगर आप सरकार बनाते हैं तो सबसे पहला टारगेट, सबसे पहली चुनौती आपकी क्या होगी? आपको क्या लगता है पंजाब को वापस पटरी में लाने के लिए? देखिए पहली चीज़ तो यह है कि जो भी अनाउंसमेंट्स अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रहे हैं उसका पूरा ब्लूप्रिंट, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, वो लागू कैसे किया जाएगा, क्या अप्रूवल्स क्लियरेंसेज लेने होंगे, वो फंड कहाँ से रेज होगा, ये सारा ब्लूप्रिंट, ये सारा बही खाता हमने बनाया हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, जब हमने दिल्ली में भी बिजली मुफ्त करी थी तो लोगों ने कहा था कि बिजली बोर्ड आपका जो है वो घाटे में चला जाएगा। जब पानी मुफ्त किया था तो कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चला जाएगा। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बिजली मुफ्त और पानी मुफ्त करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है बिजली बोर्ड और पानी बोर्ड का वो बढ़ा, वो घटा नहीं, मुनाफा बढ़ा। हमने बिजली की चोरी रोकी, पानी की चोरी रोकी और लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जितना पानी बिजली चाहिए होता है वो मुहैया कराया। पंजाब के लिए भी ऐसी पूरी व्यवस्था, एक पूरा चलिए ठीक है, आपने पूरी तैयारी की है, पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है। आपको और सभी पार्टियों को हमारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही है कि जो पंजाब के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए जो बेहतरीन हो वही पार्टी जो है वो पंजाब में अगली सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 24 से बात करने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम मंथन में शामिल होने के लिए राघव चड्ढा। तो ये थे आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी युवा डायनामिक पॉलिटिशियन राघव चड्ढा। लेकिन लगातार दिग्गजों का पंजाब की राजनीति के इस मंच पर आना जारी है दिन भर। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।